हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ ऋषिका पंडित हैं, जो सेकेंड अटेम्प्ट में PFSB गांधीनगर से रिकमेंड हुई है। इन्होंने अपनी स्कूल KV धारे से करी है और अपनी इंजीनियरिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग HITS चेन्नई से करी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऋषिका, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू दी चैनल। एंड आपकी जर्नी को समझना चाहेंगे हम कि किस तरीके से आपने अपनी SSB की तैयारी करी और कैसे आप फाइनली यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर ड्रीम एंड गेटिंग रिकमेंडेड एंड मूविंग टुवर्ड्स योर ड्रीम। थैंक यू सो मच सर। तो ऋषिका, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, 2018 के अंदर तुम स्क्रीन आउट हुई और 2021 में रिकमेंड हुई, तो करीबन 3 साल लगे हैं इसके अंदर, मतलब दो सवा दो साल मान ले तो हम। तो हाउ इज दिस जर्नी फ्रॉम स्क्रीन आउट टू गेटिंग रिकमेंडेड? सर, इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी एक्चुअली। 2 years आई वाज स्क्रीन्ड आउट फ्रॉम मैसूर इन 2018 ऑन 31st डिसम्बर। आफ्टर दैट आई हैड माई स्कूल प्रोजेक्ट्स, कॉलेज प्रोजेक्ट्स, सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट फॉर 6 months। देन आई प्रिपेयर्ड फॉर गेट। लाइक आई हैड दिस आइडिया एट द बैक साइड ऑफ माई ब्रेन कि मुझे करना है ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग का गेट, एक बार निकाल दूंगी देन आई हैव दिस रैंक फॉर 3 years। ठीक है, तो मैंने गेट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन थोड़ा की। हिंदी में यस मतलब सर, ताकि सारे स्टूडेंट्स को समझ आ सके। ठीक यस सर। सर 2019 में आई स्टार्ट मैंने प्रिपेयर किया गेट के लिए एंड आई सिक्योर्ड 91 रैंक ऑल इंडिया। एंड फिर मुझे उससे IIT मद्रास का ओशन इंजीनियरिंग का सीट मिल गया। एंड दैट वाज द मोमेंट मैंने सोचा चलो मैंने कुछ अकम्प्लिश तो कर लिया, अब मैं अपना प्लान है जो मैं हमेशा से करना चाहती थी वो मैं करूँगी। एंड मैंने प्रिपेयर किया FCAT के लिए एंड वो बस 1 month था एंड मैं बहुत लकी थी कि वो एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया। तो मेरे ठीक को दो दो मंथ मिल गए थे बहुत अच्छे से। तो मैं एकेडमी ज्वाइन करके, लाइक ऐसा कोई पर्टिकुलर सर नहीं है जिसको मैंने FCAT क्लियर करने के लिए फॉलो किया, मैं सबका एक एक क्वेश्चन करती थी। तो जैसे मैथ्स संदीप सर से एंड GS के लिए आपको, दिव्या मैम को एंड विशाल सर का, करंट अफेयर्स सब कुछ करती थी। फिर रिजल्ट्स आगे क्लियर हो गया, देन आई गॉट F3 FSB गांधीनगर का कॉल फॉर SSB। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, ऋषिका गौ, ऋषिका 2018 में स्क्रीन आउट हुई, उसके बाद गेट के स्कोर की बात करें कि गेट का स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होता है, गेट में भी IIT मिला इनको, तो शी हैज बीन ब्रिलियंट। इनका PIQ भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा थ्रू थ्रू इन दी वीडियो स्नैपशॉट के थ्रू वगैरह। लोगों के स्कूलिंग में 97% आते हैं या 10th में आते हैं, 12th में, तो यहाँ पर ऋषिका की ग्रेजुएशन में 97% है। ठीक है, तो करीबन मेरे तो इनसे ये मुझे बहुत बच्चों को पास करा सकती है, मेरी बात तो आप छोड़ ही दीजिए। ठीक है, तो 97% इन BTech, विच इज अ वेरी हाई स्कोर। तो शी इन एकेडमिक शी इज बीन ब्रिलियंट, और एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी इन्होंने काफी परफॉर्म करा है, जो हम आगे जो इंटरव्यू दौरान इनसे सुनेंगे। और ऋषिका ने बताया अन अकेडमी ज्वाइन करके इन्होंने करीबन 2 महीने के अंदर AFSB की तैयारी करी, सॉरी AFCAT की तैयारी करी, AFCAT क्लियर करा, थी गांधीनगर AFSB का इंटरव्यू आया। तो ऋषिका, हमने काफी बात भी, मेरे और काफी बात भी करी इसके ऊपर, तो आई स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन कंसिस्टेंटली ऋषिका से पूछा गया, थोड़ा फनी क्वेश्चन है और जनरली यू डोंट एक्सपेक्ट कि SSB में पूछा जाएगा, बट देन अनएक्सपेक्टेडली हर चीज पूछी आ सकती है, एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड इन द SSB। तो इनसे ऋषिका, वो क्या क्वेश्चन था कि ये हैकर तुमने कब लिया, इस पर क्या जवाब यस दिया तुमने? सर। सर लाइक मैं जहां भी जा रही थी मुझे सब लोग ये पूछ रहे थे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने, GTO ने, फिर मेडिकल्स में भी प्रेसिडेंट ने मुझे पूछा तुम ऐसे हेयर अच्छा कट क्यों रहे हो, क्या तुम पहले से ही एकेडमी जाने की तैयारी कर रही हो। तो मैंने बोला कि सर ये तो नहीं सोचा एकेडमी जाने के लिए चाहिए कि नहीं, बट आई वाज मतलब स्टार, बचपन से ही मेरा ये मशरूम कट रहता था एंड आई कीप चेंजिंग हेयर स्टाइल्स, कभी लॉन्ग कभी शॉर्ट कभी मॉडरेट। बट ये क्वेश्चन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, मैंने मतलब सोलिल के समय भी नहीं सोचा कि मेरा हेयर कट भी पूछ लेंगे। ठीक है, अभी तुमने एक वर्ड यूज करा जो काफियों को नहीं पता होगा, इसने यूज करा सोलिलिके। सोलिलिके क्या वर्ड है, कहाँ से सुना है तुमने, इसके बारे में क्या चीज है ये?
सर सोलिल के मैंने आपके सागा कोर्स में ही सुना था फर्स्ट, उससे पहले ये वो कैब का वर्ड पता भी नहीं था। देन सोलिल के में सर मैंने तो ये समझा कि हम जहाँ पे भी है जैसे भी है या हमने आज तक लाइफ में क्या किया है वो समझना एंड अपने आप को क्वेश्चन करना है कि तुमने ये गलतियाँ क्यों की। गलतियाँ करना इज नॉट अ मिस्टेक, तुम ह्यूमन हो कर सकते हो, बट तुमने क्यों की, उसका पर्पस क्या था, हैव यू अपोलोजाइज टू दैट पर्सन फॉर दैट मिस्टेक, या तुम उसके लिए क्या प्रायश्चित करने के लिए क्या करते हो, ये था सर। तो ठीक मैंने डेली बेसिस पे ये करती थी एंड जब भी नीचे जाती थी सब्जी लेने या दूध लेने मम्मी के साथ तो बातें करती थी कि मम्मी मैं बचपन में कैसी थी, अभी मेरे में चेंजेस क्या आए, तो मम्मी से बहुत बातें करती थी। पेरेंट्स बहुत हेल्प करते तुम्हारे सोलिल के प्रोसेस में। तो अगेन यहाँ पर इनकी बातों से यही लग रहा है दैट शी इज नॉट लुकिंग फॉर इंजीनियर्ड आंसर्स की किसी बुक से देखकर आंसर्स लिखे। जो प्रोसेस है इन दी एसएसबी क्लासेस जब मैं लेता हूँ या आप कभी मेरे साथ रहे हैं या जब भी मैंने यूट्यूब पे भी बात करी है कि एसएसबी के अंदर आपका फोकस प्रोसेस पे बहुत रहना चाहिए इन वेरियस टेस्ट। अगर आपका फोकस सिर्फ रिकमेंडेशन पे ऊपर है तो आप अननेसेसरी बर्डन क्रिएट करते हैं और इंजीनियर्ड रिस्पॉन्सेज बहुत निकलते हैं। यू आप अपने आप को जो आपकी कोर पर्सनैलिटी वो कहीं ना कहीं खोने लग जाती है। सो अगेन टेलिंग एंड सेम थिंग यहाँ पर आपको ऋषिका भी बताएगी कि इम्पोर्टेंस ऑफ योर पर्सनालिटी कितनी इम्पोर्टेंस है अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी की एसएसबी के अंदर। ऋषिका सर पूरी 100% वही चाहिए उन्हें एसएसपी में। पर्सनालिटी तुम्हारी मतलब उन्हें दिख जाती है, इसलिए इतने सारे प्रोसेस रहते हैं। साइकोलॉजी में उन्हें तुम्हारी मतलब दिख जाती है, तुम कितना भी ट्राई करोगे हाइड करने वो नहीं होता हाइड, बट उसके लिए तुम्हें पहले से ही ट्रेन करना पड़ता है अपने आप को कि हाँ अगर ये चीज आया तो हाउ आई विल रिएक्ट टू इट। तो जो तुम रिएक्ट नहीं रेस्पॉन्ड करना सीखना तुम्हें, तो वो एसएसबी जाने से पहले पर्सनालिटी को बनाना है कि ठीक है मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछेगा रिएक्ट नहीं करने वाली, मैं इमोशनली नहीं बोलने वाली कुछ भी, करेक्ट या मेरे मेरे लाइफ पे कुछ भी हुआ तो मैं रो दूंगी नहीं, आई हैव टू हैंडल दैट। तो तुम करेक्ट रेस्पॉन्ड करना सीख जाते हो और इसी तरह स्लोली स्लोली हमारी पर्सनैलिटी भी बदलने लगती है। एंड मेरा तो सर बहुत ज्यादा बदल गया क्योंकि मैं सागा कोर्स तो एक ऐसे बुक बना लिया था मैंने कि हाँ ये मतलब डेली वन करती थी। आपने भी फर्स्ट टाइम बात हुई थी तो आपने कहा था कि गो स्लो, 1.5 और से देखने से कुछ नहीं होगा, गो स्लो, एक एक चीज समझो फिर होगा तुम्हारा। अभी ये तो बात बोल आपका के जो कट गई थी, ये कहना चाह रही थी कि जब तुम वीडियो देखते हो अनअकैडमी पे तो 1.5x और 2x का ऑप्शन आता है। जब ये वीडियो देख रही थी तो मैंने बोला था उसको स्लोली देखो बिकॉज जैसे कि सारे स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, जैसे हम जब हम रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो डिटेल में डेप्थ में पढ़ लें तो अच्छा होता है, उसके बाद आप स्पीड को रिविजन में बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली एसएसबी में आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है और पर्सनालिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो 5 या 6 दिन में या फिर 10 दिन में प्रिपेयर करी जा सकती है। काफी सारे लोग कर सकते हैं, देयर माइट बी सम एक्सेप्शंस इन दिस, बट आई ऑलवेज से दैट जब आप पर्सनालिटी को प्रिपेयर करते हो तो आपको थोड़ा वक्त देना चाहिए उसके अंदर सो दैट योर ओरिजिनल पर्सनैलिटी कैन बी सीन। जैसे कि ऋषिका यहाँ पर बोल रही है कि इट्स नॉट द रिएक्शन बट इट हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू इट। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जो रिएक्शन है और रिस्पॉन्ड है, उसमें बहुत फर्क है। जैसे बोलते हैं ना कि एक है रिएक्टिव अप्रोच और एक है प्रोएक्टिव अप्रोच, की गवर्नमेंट की प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। तो अगर आप थोड़े प्रोएक्टिव होते हो तो जनरली आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी काफी बढ़ जाती है। आई थिंक ऋषिका आप यही यस कहना चाह रहे हो। यस सर एब्सोल्युटली यही। तो ऋषिका वील गो थ्रू दी स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग के प्रोसेस से धीरे धीरे आगे बढ़ के स्क्रीनिंग के प्रोसेस के अंदर ऑफिसर इंटेलिजेंस रीडिंग टेस्ट के अंदर तुमने बताया था कि तुम्हारे 13-13 मिनट के टेस्ट हुए थे। एक एक यस में कुछ तुम ही बताओ मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहे, कितने कितने मिनट के टेस्ट हुए थे तुम्हारे, किस तरीके के क्वेश्चंस थे और तुमने कोई स्पेसिफिक कोर्स देखा जिससे तैयारी करी खास ऑफिसर इंटेलिजेंस रीडिंग टेस्ट की जहाँ पर मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। यस सर फर्स्ट ऑफ ऑल ओआईआर में मैंने हमारे केस में 40 क्वेश्चंस थे, दो पेपर थे। फर्स्ट पेपर में
40 क्वेश्चंस 13 मिनट्स में थे, करेक्ट 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 एंड मैं इस चीज प्रिपेयर्ड नहीं थी, बट फिर भी मैंने अपना बेस्ट दिया था. आई कुड डू 30 अराउंड क्वेश्चंस, बट नेक्स्ट वाले में मैं प्रिपेयर्ड थी कि हाँ इसमें मुझे 40 to 40 on 40 करने हैं. तो सेकेंड टेस्ट वॉज फॉर 21 मिनट्स. सो फर्स्ट वॉज फॉर 13 एंड सेकेंड वॉज फॉर 21. इन सेकेंड टेस्ट आई कुड कम्प्लीट होल पेपर, एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस वॉज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन क्यूब्स वाले क्वेश्चंस. ओके okay. मतलब घुमा रहे थे, दिमाग भी घूम रहा था उसके साथ. सर पता ही नहीं चल रहा था. वो सर ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया था, मैक्सिमम 2 टाइम्स घुमा के इक्वल देख लेना तुम लोग क्यूब्स का. अब सर वो कौन, एक सर का दो नाम तो बता दो, सर संदीप सर भी मत सर करो, अब नहीं, ये वहां सर पे जो इन्होंने, अच्छा हाँ हाँ सर, इंस्ट्रक्शन दिया था, मैं आपको विंग सर ने बताया कमांडर होगा। दी, अच्छा ठीक हाँ विंग कमांडर दीपक नाम ओके था हाँ उनका. सो ही इंस्ट्रक्टेड अस कि तुम्हें मैक्सिमम 2 टाइम्स घुमाओ तो देखो. हाँ मैं घुमाए जा रही, दिमाग भी घूमते जा रहा था. तो बट जब मैं घर पे प्रैक्टिस करती थी और भी ज्यादा घूमता था, बिकॉज मुझे इतना आदत नहीं थी क्यूब्स करने की. तो मैंने संदीप सर, एन एकेडमी में टीचर हैं, उनका एक SSB OIR कोर्स देखा था मैंने, तो उसी से मुझे क्यूब्स की बहुत आदत सी लग गई थी. फिर यस सर, बोलो बोलो ठीक सर फिर क्वेश्चंस हो गए थे जल्दी जल्दी. है। फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, संदीप सर के यहाँ एक स्पेसिफिक OIR का कोर्स है, सो डिस्क्रिप्शन में सर का कोर्स का लिंक मैं डाल दूंगा, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, जो मेरा कोर्स है वो दैट इज वेरी स्पेसिफिक टू दी SSB। OIR का मतलब होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, तो वो सर का लिंक मैं डाल दूंगा, यू कैन डेफिनेटली वॉच इट, जो आपको वहां पर हेल्प करेगा। तो यहाँ पर तुम्हें वो जो शीट मिली थी वहां पर किसी ने पहले से मार्क लगा रखे थे, वो जो कई बार वो नहीं वैसे सर, नहीं था. भी वो गलत नहीं होते आज ज्यादा। ठीक है बट किसी लड़की के में तो था, उसने शी आस्क्ड क्वेश्चन टू सर कि सर मेरे में सब आंसर लगे हुए हैं. तो सर ने बोला इफ यू कॉपी दैट तो तुम समझ लो तुम्हारा क्या होगा. तो वो बेचारी डर गई, तो वो नहीं की कॉपी. नाइस। अच्छा ठीक है, अच्छा इसके बाद तो तुमने यहाँ पर घर पे रहकर अपनी प्रैक्टिस वगैरह करी OIR की, एंड हाँ किसी ने बताया, और हाँ डिफिकल्टी लेवल कितना था इन क्वेश्चंस का, पेपर तुम्हारे ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग में पहले वाले और दूसरे वाले सेट में कितना डिफिकल्टी डिफरेंस था? सर क्यूब्स तो मुझे मतलब प्रैक्टिस के बाद तो इजी लगने लगे, बट मैंने बाकी लोग से पूछा तो उन्होंने बोला डिफिकल्ट तो था ही. सर डिफिकल्ट था वो, क्यूब्स हो आते ही हैं इसलिए. उसके बाद तुम्हारा PPDT हुआ हुआ था, और जिसमें तुमने बताया था कि एक धुंधली सी पिक्चर तुम्हें दिखाई थी, इसमें कुछ हाँ हेलीकॉप्टर। ठीक है, भी आई विल हेलो. नॉट, मैं तुम्हारी स्टोरी यहाँ पे नहीं बताना चाहूंगा, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट उसी स्टोरी को याद करने लग जाएंगे। ठीक है, बिकॉज यस सर, देन जो ऋषि का अप्रोच बताने की कोशिश कर रही है कि भाई अपना दिमाग खोलो, ऑब्जर्व करो, वो दैट विल गो फॉर अ टॉस, बिकॉज एग्जैक्टली तुम्हें स्टोरी आपको बता सकता हूँ, बट वो फिर गलत हो जाएगा, बिकॉज वी आर अगेंस्ट द इंजीनियर्ड अप्रोच। तुमने काफी अच्छी स्टोरी यस बनाई, सर. और स्टोरी कितनी देर में खत्म करी तुमने? हाँ सर राइटिंग पार्ट हाँ राइटिंग पार्ट। सर 4 मिनट्स था राइटिंग के लिए, बट मैंने 3.5 मिनट्स में हो गया था मेरा. मैं सबको देख रही थी फिर. ठीक है, तो उस टाइम पे खत्म कर, मैं हाँ आपको पिक्चर का डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, स्टोरीज तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कि एक धुंधली सी पिक्चर थी और उस पर एक चॉपर था, हेलीकॉप्टर था। तुम बताना यस चाहोगे सर. डिटेल में कि मैंने सही बताया है? हाँ सर मैं बता देती हूँ ठीक है सर. एक हेलीकॉप्टर था, मतलब काफी धुंधली सी पिक्चर थी. एक हेलीकॉप्टर था, नीचे 3 4 लोग थे. मतलब ठीक वो दिख रहा था कि वो कोई गन के साथ ऐसे है, एंड एक वो बिल्डिंग था, ऐसा लग रहा था उसे बिसीज करना चाहते हैं, मतलब उसे घेरना चाहते हैं. तो बस यही था. है, तो आपको एक आइडिया दिया है यहाँ पर ऋषिका ने, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी स्टोरी बना के लिखने की कोशिश जरूर करिएगा। अगर ऋषिका को कोई स्टोरी अच्छी लगी तो ऋषिका विल डेफिनेटली रिप्लाई टू श्योर. दिस बोर्ड, ठीक है, और आई विल रिप्लाई टू इट। बट प्लीज, जो ऋषिका ने आपको एक पिक्चर दी है कि एक धुंधला सा, एक आपको हेलीकॉप्टर दिख रहा है, नीचे कुछ लोग हैं और विद गन्स है वो, ठीक है, तो बेसिक पिक्चर आपको दी है। ठीक है, PPDT का है ये, टैट का नहीं था, PPDT का। उसके बाद हाउ वाज योर नरेशन?
सर नरेशन काफी अच्छा किया था, लाइक आई कुड कंप्लीट ऑन टाइम एंड हाँ सर, मैंने नरेशन में आई स्टार्टेड विद द इंट्रो, मतलब यू हैव टू गिव द इंटीग्रिटी ऑफ योर स्टोरी कि तुम्हारा इंसान कहाँ से आता है, उसने क्या किया, मतलब पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है उसका, तो मैंने मतलब अच्छे से बोला था. लाइक आई मेंशन फॉर एग्जांपल, मैंने मेरे स्टोरी में डाला था कि ये जो ऑपरेशन है वो लोहित डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश का था प्लीज एंड डोंट गो हाँ सर बस इतना ही. लिखने लग जाएंगे सब, यही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक हाँ ठीक है, है सर, चलिए सॉरी ठीक सर. यस है। मतलब चलो इससे एक मतलब ऑपरेशन है, क्योंकि फिर क्या होगा, ये अब लोहित डिस्ट्रिक्ट को बहुत यूज करेंगे। ठीक है, तो आई मतलब जो ऋषिका कहना चाह रही है कि हम जब टैट की स्टोरीज की प्रैक्टिस करते थे कोर्स में, तो मैंने बोला था आप अपनी स्टोरीज को थोड़ा डिटेल करके लिखिए, किस सिटी में हो रहा है, किस टाइप की वेपनरी यूज हो रही है। आप रैंडमली मत लिखिए, चाहे अगर आप किसी से कोऑपरेशन कर रहे हैं, किसी से हेल्प ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, कहाँ पर आपकी स्टोरी हो रही है, जितनी वो निटी ग्रिटीज में होगी उतनी बढ़िया होगी। एंड ऑब्वियसली इफ यू प्रैक्टिस इट डेफिनेटली हेल्प, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल अपने लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप काफी अच्छा लिखेंगे। वही बात आई थिंक ऋषिका यही कहना चाह रहे हो कि स्टोरी को जितनी यस डेप्थ में सर, लिखोगे उतना अच्छा होगा। और जितना ज्यादा लाइक ऑपरेशन है तो रिसोर्सेस क्या यूज किए वो भी मेंशन करेंगे तो अच्छा रहेगा. तो मैं रिसोर्सेज का मतलब बताता था, जैसे कि अगर एक फौज ऑपरेशन के लिए आती है तो भैया भैया आर्मामेंट्स कहाँ से आ रहे हैं आपके, आपकी गाड़ी कहाँ से आ रही है, आपका डीजल कहाँ से आ रहा है, कौन सी लोकेशन पे आप ऑपरेशन करना चाहते हैं, दुश्मन कहाँ पर है। जैसे कि अगर आप उरी मूवी देखते हैं, तो उरी मूवी के अंदर जब वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक जाने से पहले हम कितनी सारी रिसर्च करते हैं, तो उसी चीज की बात कर रही है कि अगर आप कभी इस टाइप की कहानी लिखना चाहें, या फिर आप कोई भी कहानी लिखना चाहते हैं, तो डिटेलिंग जरूर करेंगे तो उतना बढ़िया रहेगा। यस सर, उसके बाद फिर तुमने बताया था कि जब नरेशन होने लगा, नरेशन के वक्त एक वो डायरेक्शन में बोला गया था कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना है, सीधा पॉइंट पे आना है। हाँ सर, ऐसा कोई बच्चा था जिसने इसको नहीं फॉलो करा और फिर भी वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करा? हाँ, थे ना सर, तीन नहीं चार होते ही है, वो अपना इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं. ये क्यों होता है कि ये सुनकर भी असेसर की बात क्यों नहीं मानते जब वो बोल रहे हैं बार बार? सर पहली चीज तो वो मतलब सुनने की आदत नहीं होती है उनको ज्यादा दूसरों की, अपना जो सीख के आते हैं वो ही ट्रेंड रहते हैं, वो जहाँ से भी सीख के आते हैं कि अच्छा हमें यहाँ इंस्टीट्यूट में ऐसे बताया तो मुझे ऐसे ही बोलना है, बाकी कोई कुछ भी बोले ऐसे रहता है उनका एटीट्यूड, तो यही सर. बोलो बोलो। यही सर, तो इंस्ट्रक्शंस मतलब मेरे पूरे एसएसबी में इंस्ट्रक्शंस काफी टाइम चेंज किए गए थे जो हमने क्लासेस में भी पढ़े थे, तो इसीलिए आप जब भी कहते थे कि मैं कुछ भी बोलूं यू हैव टू लिसन टू इंस्ट्रक्शंस, कि वहां पे चेंज कर देते हैं वो, तो वो बहुत जरूरी है इंस्ट्रक्शन सुनना बहुत ज्यादा. ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू दिस वीडियो, मैं अगेन बोलता हूँ कि इफ यू आर रेफरिंग टू माय कोर्स, अगर आप मेरे कोर्स पर हो, फॉर दैट मैटर अगर किसी और एजुकेटर या टीचर या कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, आप इस बात का ध्यान में रखिए कि जो चीज हम सिखाते हैं, और जैसे अगर आप कोई एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, मतलब आपकी साइकोलॉजी के टेस्ट हो रहे हैं, जीडीयू के टेस्ट हो रहे हैं, वो कभी भी आपके डायरेक्शन को बदल सकते हैं, और वो डायरेक्शन के बदल को देखना चाहते हैं कि कहीं आप वही कोच कैंडिडेट तो नहीं हो जो बस रट के आए और वही कर रहे हैं। वहां पर मान लिया जाए जैसे कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में अलग अलग कलर्स होते हैं, कई बार वो कलर्स को बदल देंगे। इन दिस इंटरव्यू ऑल्सो जैसे कि यहाँ पर बोला कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वगैरह, वो साफ बोलते हैं आपको नहीं एड्रेस करना है, आपको सीधा पॉइंट पर आना है नरेशन के लिए, आपके पास स्टिपुलेटेड टाइम है। वहां पर भी बच्चे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जेंटलमैन फलाना ढिमकाना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के अंदर 15-20 सेकंड वेस्ट करते हैं और फिर नरेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और जब आपका नरेशन कंप्लीट नहीं होगा तो ग्रुप डिस्कशन पर आप पे हैवीनेस होगी, यार भाई मुझे कुछ बोलना है, मुझे कुछ बोलना है, राइट ऋषिका? यस सर श्योर, ये तो होता ही है और हुआ भी था वहां पे हमारे ग्रुप डिस्कशन में. यस सर, तो ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताओ तो आपने। सर ग्रुप डिस्कशन में तो पहले बहुत कमोशन हो रहा था क्योंकि वी वर ग्रुप ऑफ 15, फिर हमारे जो सर थे उन्होंने बोला 7 और 8 करके डिवाइड करता हूँ, पहले 7 पीपल डिस्कस करेंगे फिर 8 करेंगे फिर 8 एंड 7 मिक्स करके डिस्कस करेंगे ठीक है और कंक्लूजन निकालेंगे. तो पूरे डिस्कशन मतलब जब तुम
दूसरे नरेट कर रहे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं है कि अपना याद करना है कि अरे मुझे ये बोलना है, मुझे ये बोलना है, तो उससे बहुत प्रेशर क्रिएट होता है. मतलब मेरा ये अप्रोच था, मैं सबका सुनती थी कि ओके फाइन, इसका ये पॉइंट है, और ग्रुप डिस्कशन में इसको कैसे काउंटर कर पाऊंगी. तो इससे पता चलता है तुम कितना अवेयर हो, दूसरों की भी सुन रहे हो तुम. तो मेरा यही अप्रोच था जीडी के लिए, पीपीडीटी के, कि सुना मैंने सबका, एंड देन मैंने हैंड्स पे काउंट कर लिया था किसकी कौन से थीम पे मैक्सिमम स्टोरीज है. तो ये एक दो चीजें मैंने यूज की थी ग्रुप डिस्कशन में. और बट जो भी तुम बोलो, ज्यादा डेस्परेट होके नहीं बोलना ठीक है, स्क्रीनिंग में यस. तुम्हें मतलब ग्रुप डिस्कशन में वो दो तीन कैंडिडेट मिले वो जो डिसरप्ट कर रहे थे, बोलने नहीं देते हैं, मेरी सुनो मैं ही बोलूंगी, इस टाइप के हाँ कैंडिडेट हाँ सर, वो तो चेयर से ही उठ जाती. मतलब मिले? वो ऐसे ऐसे हो गई थी, गिर जाएगी, मैं उसको बोलने वाली थी, रुक हंसी ऐसे होती. आती है उन्हें देखकर, मानिए हाँ सर, बट अभी तो मास्क है ना, तो पता नहीं चलता इतना. ठीक मैं हंस रही थी थोड़ा थोड़ा, बट वो लोग देखते हैं तो आई कुड कंट्रोल ऑल्सो. सही है सही है। तुम्हारी स्टोरी हाँ ओरल स्टोरी बनी कि किसी और की बनी और फिर तुमने उसमें एडिशन करा? तो मेरी स्टोरी तो किसी ने नहीं बनाई थी, बट ज्यादातर मतलब मैं थीम बोल देती हूँ, टेररिस्ट वाला ही सोचते हैं लोग ज्यादा. हाँ तो आई वाज लाइक कि मेरी बने ना बने डजंट मैटर, ग्रुप का जो है वो बनना चाहिए. तो मैंने बोला ठीक है, टेररिस्ट पे है तो टेररिस्ट पे ही बनाते हैं हम सब. तो देवर पीपल अराउंड मी, वो मुझे चाहते थे नॉमिनेट करना कि हाँ ऋषिक का अच्छा स्टोरी है. मतलब वो ग्रुप की सुन भी रही थी, बट देवर टू गर्ल्स, वो रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी ये प्रेशर. सर मुझे बोला, मुझे बोला, मुझे. तो टाइम भी बहुत ज्यादा अप हो गया था हमारे ग्रुप का. तो जो सर थे उन्होंने बोला ओके फाइन, यू टेल द स्टोरी. एक लड़की थी उसे बस. सही तो है सर तो उसने कॉमन भी नहीं बोली, उसने अपनी बोल दी. ये तो लग ही रहा था। ये ऐसे वाले हाँ कैंडिडेट जीपीई में भी मिलते हैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में भी, क्योंकि हाँ वो अपनी, तो आप सबको बता दूं जब यहाँ पर आपका नरेशन के बाद डिस्कशन होता है तो डिस्कशन के बाद एक कॉमन स्टोरी बनाने की कोशिश करी जाती है, और जिसको नॉमिनेट करा जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कॉमन स्टोरी बनाए। बट यहाँ पर कई बार कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि नॉमिनेशन की वो कॉमन स्टोरी की जगह अपनी स्टोरी सुना देते हैं, समटाइम्स दिस ऑल्सो लीड्स टू यू नो वॉश आउट ऑफ द बैच। मतलब उस पर और भी कंडीशन रहती है, बट इस टाइम पे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर इस लड़की ने अपनी कहानी सुना दी। एंड इन द केस ऑफ अगर हम ऋषिका की बात करें तो ऋषिका की स्टोरी कॉमन नहीं बन पा रही थी तो, और जिनकी बन रही थी तो इसने वहां पर कोऑपरेट करा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप ही की स्टोरी कॉमन स्टोरी बनेगी, उसी से आप स्क्रीन इन होगे, ठीक है, और कहीं क्या पता आपकी कॉमन बन भी जाए तब भी आप स्क्रीन आउट हो जाओ, बिकॉज काफी चीजों पर डिपेंड करेगा, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, नरेशन, उसके बाद आपकी स्टोरी कैसी है और आपने कितने पॉइंट्स दिए ग्रुप डिस्कशन में। तो मल्टीपल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व, नॉट ओनली वन फैक्टर, ठीक है। इसलिए काफी सारे यस लोग क्या सर, करते हैं कि किसी एक फैक्टर को लेके बैठ जाते हैं, एक फैक्टर नहीं है मल्टीपल फैक्टर्स है, और असेसर सबको देखकर आपका फाइनल जो स्क्रीन इन या स्क्रीन आउट का रिजल्ट देते हैं। तो कितने बच्चे रिकमेंड यस सर. हुए, सॉरी कितने बच्चे स्क्रीन इन हुए इसके बाद से 69 हुए थे, आउट ऑफ 270+ था, एग्जैक्ट याद नहीं सर. 70 में से 69, बाकी परसेंटेज निकाल लो। और तुम्हारे ये 15 में से कितने हुए? वो सर हम में से 3 हुए थे सर, हुए वो जो सीट से कूद रहे थे? उनमें से एक हो गई थी अच्छा अच्छा क्योंकि उसकी नरेशन अच्छी थी सर. उसकी नरेशन काफी अच्छी थी, ठीक है। यस सर, जैसे आपने बोला ना, एक ही फैक्टर करता है. लाइक व्हाइल वी वर डिस्कसिंग उसने बोला उसका ओआईआर एंड नरेशन बहुत अच्छा था. तो अगेन सी यहाँ पर इट्स नॉट ओनली वन फैक्टर है, जैसे बोला मल्टीपल फैक्टर्स थे, तो तीन बच्चे यहाँ से इनके स्क्रीन इन हुए, फिर तुम्हारा नया ग्रुप बन गया होगा, ठीक यस सर, है। तो नाउ स्क्रीनिंग के प्रोसेस के बाद साइकोलॉजी भी करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि सिंपल सा कि टैट में, एसआरटी में, डब्ल्यूएटी में, एसडीटी के अंदर तुमने कितना अटेम्प्ट करा? सर टैट तो पूरी कर ली थी मैंने, बिकॉज मैं घर प्रैक्टिस रहता था मेरा 12 स्टोरीज का. एंड वैट में मेरा एक वर्ड छूट गया था, और
एसआरटी आई कुड डू ओनली 31 तो एंड एसटीटी तो पूरा कर लिया था। आप देखो 12 स्टोरी पूरी कंप्लीट करें थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट की, वैट में 59 विच इज अ वेरी हाई नंबर, उसके बाद एसआरटी 31 लो नंबर, एंड देन अगेन एसटीटी पूरा। सो इट्स अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स द क्वालिटी ऑफ द आंसर्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकली एसआरटी के अंदर जो ऋषिका ने मुझे बताया बहुत डिटेल में आंसर करा, और मैं उसी के साथ स्टार्ट करूंगा। एक एसआरटी है और एक इंसिडेंट है जो तुमने मुझसे शेयर करा था, वो इन सबको बताओ कि यस क्वालिटी ऑफ आंसर इज इम्पोर्टेंट। और ये जो लोग लिख देते हैं आई कन्विंस दिस ही गॉट कन्विंस्ड, ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम क्या होती है ये थोड़ा एक्सप्लेन करो, वो एसआरटी वाला इंसिडेंट। हाँ सर सर लाइक मेरा एग्जांपल था कि तुम्हारे पेरेंट्स को कोई और लड़का पसंद है एंड तुम किसी और से मैरी करना चाहते हो, तो पर तुम्हारे पेरेंट्स मान नहीं रहे, हाउ डू यू गो अबाउट दिस? तो मैंने लिखा था लाइक पहले मैंने मेरी फ्रेंड्स लोगों से पूछा था कि व्हाट डिड यू राइट, तो दे विल लाइक हमने लिख दिया कन्विंस कर लेंगे वरना पेरेंट्स जो बोलेंगे वो कर लेंगे। सो आप लोगों को ये नहीं करना है, इससे पता है कि यू आर गिविंग अप ऑन योर चॉइसेस, मतलब एक स्टैंड लेना बनता है। तो मेरा आंसर ऐसा था कि पहले आई विल काम डाउन और मम्मी को बैठा के फर्स्ट आई लिसन टू हर कि मम्मी क्या चाहती है, व्हाई शी डिनाइंग दैट बॉय, और उनका चॉइस दूसरा लड़का वो क्यों है। देन उनका होने के बाद आई विल एक्सप्लेन माई पॉइंट कि मम्मा हम इतने साल से रिलेशन में हैं और हमारी इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, एंड देन मैं उनको बोलूंगी आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हो एक बार उस लड़के से पहले मिल लो। बिकॉज मैंने वही लिखा जो मैं रियल लाइफ में भी करूंगी, अगर मुझे कोई और पसंद है और मॉम को कोई और, तो दिस इज द प्रोसेस मैं मतलब टेक कर लूंगी प्रोसेस। तो बाकी मतलब आप कैसे थे कि तू इतना बड़ा चढ़ा के क्यों लिख के आई है, ये सब हम रियल लाइफ में करते हैं बट इन एसआरटी यू डोंट हैव टू राइट ऑल दिस। तो मैं ऐसे थी, एसआरटी ठीक है अच्छी बात है। उस टेस्ट का नाम है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और आपको जो सिचुएशन में डाला जाता है बेसिकली। अच्छा तुमने एसआरटी की बात करी, रात को कोई लोग दिखे जो बुक से देख रहे थे और वही आंसर अगले दिन वहां घुसा रहे थे, बुकलेट होती है उससे रटते रहते हैं, ये भाई ये देखे ऐसे लोग तुम्हें, कोई था वहां पर ऐसा कैंडिडेट? हाँ सर हम रूम में थे तो नहीं सर, मेरे रूम में स्मेल नहीं था कोई ऐसा। ठीक है, और तो हाँ ज्यादातर फ्रेशर बैच था तुम्हारा, ठीक हाँ सर है चलो दिस इज गुड कि तुम्हें फिर ऐसे लोग नहीं मिले जो वो भी होते हैं ना बाबा पार्टी को तो रात को बैठ के देखते रहते हैं, यू आर लकी इन दैट सेंस। ठीक हाँ यस सर सर मैं तो अपनी ग्रुप के वजह से बहुत लकी हूँ, लाइक बहुत ही अच्छे थे वो, हम्बल सुनते थे। चलो वेरी नाइस, यू आर लकी, नहीं तो बेचारे काफी यस सर इंटरव्यू के रिपीटर्स, स्नेहा का इंटरव्यू अगर तुमने देखा उसको बहुत मिले थे ऐसे सारे, उसका असल में हाँ उसके साथ रिपीटर्स भी थोड़े मिक्स थे, ठीक है, उसका अच्छा उसको काफी सारे मिले थे ऐसे। और हाँ ये अगर तो मैं बताना चाहूंगा हर स्कोर इज वेरी हाई, इफ आई एम करेक्ट 205 ऋषिका 209 209, 4 नंबर कम बोल दिए मैंने, तो 200 ठीक है। और जिस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस रही है एसएसबी में आई एम वेरी श्योर स्कोर उसमें ही काफी अच्छा होगा। एंड जहां तक मुझे पता है अगर आप पुराने मार्क्स उठा के देख लो करीबन कितनी सीट से तुम्हारी 20 हमारी 16, सिक्सटीन तो लास्ट ईयर 5 सीट थी, इस साल 16 है, एंड आई एम वेरी श्योर ऋषिका विल डेफिनेटली गेट थ्रू इट। इसका स्कोर ही बहुत आया तो मेरिट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एंड इफ शी गेट्स इट, यस इफ शी गेट्स मेरिट एंड व्हिच आई एम वेरी श्योर विल हैपन, तो इसी चैनल के ऊपर स्नेहा का भी इंटरव्यू है, एग्जैक्टली स्नेहा की कोर्स वाइज भी जूनियर बन जाएगी, करेक्ट ऋषिका? हाँ सर यस सर सर हाँ जनरली भी व्हेन आई यूज टू टॉक विद स्नेहा वो कहती भी थी लाइक तू मेरी जूनियर बन के आना। हमारे स्कूल्स भी सेम है सर, ओह वेरी एन नाइस, अकेडमी से पता, एन अकेडमी के बाद वी केम टू नो दिस कि हमारा स्कूल भी सेम था ऐसे। सही है सही है, तुम तो फैमिली फ्रेंड्स बन जाओगे सर हमारे टीचर्स भी सेम थे सो हम यही बात करते थे गॉसिप, तेरी टीचर कैसी थी फिर। वगैरह। ओह वेरी नाइस, अरे थोड़े दिन पहले स्नेहा ने मुझे फोटोज भेजे थे, उसकी ड्रिंक चल रही है, यस उसका सर मैसेज आया था सर कहाँ भेज दिया आपने, उसके आँच वगैरह छिड़े हुए थे रोलिंग करके, थोड़ा हाँ सर थोड़े दिन की बात है, यस सर लाइफ वुड बिकम मच बेटर। ठीक है, कमिंग यस सर बैक,
ऋषिका, तो साइकोलॉजी के अंदर तुमने 31 अटेम्प्ट करे और SRT का इंसिडेंट बताया, जो ज्यादातर तुम्हारी थीमेटिक एपरसेप्शन 12 स्टोरीज का, 11 स्टोरीज की पिक्चर्स का थीम क्या था, किस तरीके का थीम लगा तुम्हें? सर मेरे दो स्टोरीज को छोड़ के मैक्सिमम सब विलेज बेस्ड था, ओके और जो हम नेट पे पिक्चर्स मिलती है उससे बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मतलब अच्छे लेवल के, एंड अटायर राजस्थानी गुजराती ऐसे अटायर बेस्ड था सारे, मैक्सिमम यही थे। और हर मतलब स्टोरी क्लियर थी काफी ज्यादा, हम कोई इशू एड्रेस कर सकते हैं हर स्टोरी से कुछ ना कुछ, ठीक है, और जो मतलब बाकी किसी लोग में। थे, अब हाँ बोलो यस बोलो। सर, सर फॉर एग्जांपल एक स्टोरी था एक वुमेन और अंकल मैरिज, मतलब वो फेरे ले रहे हैं ऐसे, एंड एक था एक वुमेन यूटेंसिल्स धो रही है, फिर कुछ वुमेन एक कुछ बारिश आने के बाद कैसे सर टेंट्स वगैरह गिर जाते हैं ना, फिर वो लोग उठाते हैं तो वो जोर से उठा रहे हैं। तो मैंने ऐसे सीन्स, मगर यहाँ पे थाने मार्केट है वहां पे ऐसे मैंने देखा है, बारिश आती है तो सब्जी मंडी में गिर जाता है टेंट वगैरह, तो सब लोग कैसे मिलके उठाते हैं, तो मैंने वही लिखा था। जैसे तुमने बताया है कि जब तुमने पिक्चर्स देखी एंड यू आर एबल टू रिलेट इट टू दी अर्लियर थिंग्स, जो बेसिकली तुमने अपनी अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन बढ़ाई समझने के लिए, ठीक है, तो ये अवेयरनेस ऑब्जर्वेशन इसी की तरीके से तुमने तैयारी करी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, और ये साइकोलॉजी में कैसे हेल्प करता है, एंड फ्रॉम वेयर वर यू लर्निंग ऑल दिस, की इसको ऑब्जर्व कैसे करना, आइडिया कहाँ से आ रहा था ये सब? सर पहले तो मैंने जो सैम्पल इंटरव्यूज आपने लिए हुए हैं वो एक ना स्वप्निल भैया के, फिर महक भी, महक एंड स्नेहा, वहां से मैंने सीखा, और सागा कोर्स था उससे तो बहुत ज्यादा सीखा कि हर चीज मतलब जो भी चीजें हो रही है तुम्हारे आसपास, मम्मी बर्तन उठा के डाल रही है वो भी, उससे भी सीखना है तुम्हें कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो जो भी प्रोसेस तुम्हारे आसपास हो रहा है उसका एक रीजन है, ये सोच के करेंगे तो छोटी छोटी चीजों से भी स्टोरी बन जाती है। लाइक अभी तो लॉकडाउन लग गया था तो मैं उससे पहले का ही सर यादें थी, मतलब मेमोरीज, जब भी हम जाते थे गली वगैरह में तो वहां पे बैंड बाजा बजते रहते थे, तो उसको ऑब्जर्व करके कि अच्छा ये रीजंस क्या हो सकते हैं इसके, तो वहां से भी तुम्हारे मतलब उस मोमेंट पे तुम्हें ये सब चीजें आने लगती है ब्रेन में, बट इसको जाने से पहले ट्रेन करना पड़ता है जब, और इसको याद करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है सोलिल के, कि तुमने तुम्हारी मेमोरीज क्या है अच्छी, एंड तुम्हारे फ्रेंड्स क्या है, तुम उनके साथ कहाँ घूमने गए और वहाँ पे क्या क्या चीजें हुई थी, तो डीप सोलिल के करेंगे तो हमारी ऑब्जर्वेशन भी बढ़ती जाती है, हम देखने की कोशिश करते हैं। और फिर जब मैंने स्टोरी लिखना स्टार्ट किया था सर, ऑटोमेटिकली जो भी मेरे लाइफ में हैपनिंग थे या मेरे फ्रेंड्स के भी थे तो वो आ जाते थे स्टोरी में, करेक्ट, तो इसके लिए तो अपने फ्रेंड्स की, अपनी स्टोरी तो हम जान सकते हैं बट अपने फ्रेंड्स के साथ क्या हो रहा है वो भी जानेंगे तो अच्छा रहता है। लाइक मैं बातें करती थी मेरे फ्रेंड्स वगैरह से इस चीज के बारे में। तुम्हें SDT में भी हेल्प करो होगा, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में, करेक्ट। हाँ सर, एंड हाउ डिड यू प्रैक्टिस फॉर SRT एंड WAT, तुम्हारा रूटीन कैसे रहता था, मतलब कैसे प्रैक्टिस करती थी इनकी? सर लाइक नाइट में तो मेरा वर्क रहता है, तो मॉर्निंग में 10-11 ऐसे उठ के थोड़ा मॉम को हेल्प करके, देन आई यूज्ड टू सिट, और फर्स्ट मतलब जैसे मैंने 11 से स्टार्ट किया तो PPDT, टैट, वैट, SRT, ये सब मेरे 3 आवर्स, 3-4 आवर्स में मैं फिक्स रखती थी टाइम के हिसाब से, कि मेरी 3.5 मिनट्स में ही स्टोरी होनी चाहिए, इट शुडन टेक 4 मिनट्स करके, एंड वैट भी मैं टाइम लिमिट रख के प्रैक्टिस करती थी, इवन SRT सर ऐसी करती थी। ठीक है, और मतलब WAT के लिए, SRT के लिए, टैट के लिए तुम एस्पिरेंट्स को क्या बोलना चाहोगी कि उनको किस तरीके की अप्रोच रखनी चाहिए? सर वैट जैसे हम मेरा अप्रोच ये था सर कि
जैसे मैं अभी स्क्रीन पे कुछ चैनल देख रही हूँ यूट्यूब का, और मेरे सामने एक वर्ड पॉप हो गया, तो मैं माई एट द बैक ऑफ माई माइंड एक मैं सेंटेंस बना ही लेती थी. सर स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब मन नहीं करता था ऐसे करने का, बट धीरे धीरे ना मुझे आदत हो गई. कोई भी वर्ड देखती थी तो मैं सेंटेंस बना लेती थी. एंड आई यूज टू आस्क माई मम्मी कि आप मुझे रैंडमली वर्ड्स बोलो, मैं सेंटेंस बनाऊंगी. तो दिस हेल्प्स यू अ लॉट. ऑल्सो नेट पे काफ़ी सारे साइट्स भी हैं जिसमें 60 वर्ड्स दिए रहते हैं, जैसे SSB क्रैक है, फिर डिफेंस एस्पिरेंट करके साइट्स. तो उसमें से आप 60 वर्ड्स लेके उसको रोज लिख सकते हो, एंड जरूर रिपीट होते हैं वर्ड, उसका टेंशन नहीं है. बट आप कोशिश करें कि अगर 2 बार ऑफिसर वर्ड आ गया तो दोनों में डिफरेंट सेंटेंस बनाए. उससे पता चलता है कि तुम्हारी क्रिएटिविटी है ऐसे. एंड SRT का तो सर मतलब सर सोलिल के था और आपके कोर्स थी SRT के लिए, तो आपने तो ज्यादा लेवल पे SRTs करवा दी थी, तो मेरे को ये वाली SRTs इजी लग रही थी. ठीक है। और टीएटी के लिए जैसे जो गूगल पे पिक्चर्स मिलती है उनको तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मान लेने चाहिए, क्योंकि वो आते तो है नहीं वो ज्यादातर, तो उनकी प्रैक्टिस करके यू कैन शूट। मतलब जैसे कि मेरे को लगता है कि एवरीवेयर देयर इज अ टीएटी हैपनिंग। अभी इस यस रूम में आप सर, बैठे हो, दिस इटसेल्फ कैन बिकम अ पिक्चर एंड यू वी कैन राइट अ यस सर, स्टोरी अबाउट इट। तो यही स्किल सेट लाने की कोशिश करी थी कि ऑब्जर्व, अवेयरनेस। और माइंड में टीएटी भी चलता था क्या? यस सर. सर मतलब एक ही चीज था आपने कोर्स में बोला था, उड़ा प्रिंसिपल. उड़ा मतलब बताओ मैंने तो उड़ा क्या पूरे, होता है? हाँ सो सर ने बताया था उड़ा प्रिंसिपल इन हिज सागा कोर्स. तो इट इज WODA, ओ इज ऑब्जर्व ओरिएंट डिसाइड एक्ट. तो तुम्हारा यही अप्रोच होना चाहिए व्हेन यू सी अ TAT, व्हेन यू सी एन SRT, वैट. मतलब आप पहले कोई भी चीज को ऑब्जर्व करोगे, फिर सोचोगे कि हाँ मुझे इसके अकॉर्डिंगली कैसे काम करना है. तो ये मेरा अप्रोच था TAT के लिए. तो मतलब ये मेरे को बहुत हेल्प किया सर, ये प्रिंसिपल. एंड TAT के लिए पहले मैंने जो PYQs रहते हैं नेट पे सारे कर लिए थे, कि 12 12 सेट बना के. एंड सेकेंड स्टेज पे मेरी मतलब मुझे एक फ्रेंड मिली थी, शी इज़ ऑल्सो योर स्टूडेंट ओनली. तो मैंने उसके साथ ऐसे किया था, लाइक तू जो भी रैंडम क्लिक्स करती है पिक्चर्स तो मुझे शेयर कर ब्लैक एंड वाइट करके, एंड आई विल शेयर यू माइंड. तो हम लोग ऐसे भी करते थे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं खुद भी ब्लैक एंड वाइट करके करती रहती थी. सही, इस तरीके से इन्होंने अपने टैट की प्रैक्टिस करी। और ये जो उड़ा का प्रिंसिपल है जिसकी बात करिए, दिस इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। रादर ये प्रिंसिपल आपको नॉट ओनली इन आर्म्ड फोर्सेस, लाइफ में भी बड़ी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ऑब्जर्व ओरिएंट डिसाइड एन एक्शन। ठीक है, तो दिस विल रियली हेल्प यू गाइस। प्लीज इसके बारे में जरूर पढ़िएगा और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, यस सर, तो तुमने अपने रूटीन के बारे में बताया, हमने कैसे तैयारी करी उसके बारे में बताया। एंड अब लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम साइकोलॉजी व्हिच आई वांट टू आस्क इज दैट मेनी स्टूडेंट्स प्री डिटरमाइंड आंसर्स के साथ आते हैं कि दे मग अप सम स्टोरीज और उनको फिक्स करने की कोशिश करते हैं या कुछ आंसर्स को डालने की कोशिश करते हैं प्री डिटरमाइंड आंसर्स, भले ही वो मैच हो रहा हो नहीं। तो प्री डिटरमाइंड आंसर्स या प्री डिटरमाइंड स्टोरीज को फिक्स करने में प्रॉब्लम क्या है? ये इंजीनियर्ड अप्रोच जो रट क्या है, इसमें दिक्कत क्या है? सर प्रॉब्लम यही है कि इट विल लीड यू नोवेयर. सिंपल, वो प्रॉब्लम समझ क्या जाते हैं. इट विल लीड यू नोवेयर. अगर तुम है? डिसाइड करके आ रहे हो और लिख दे रहे हो और वो तुम्हारे वैट और SRT से कहीं मैच ही नहीं कर रहा है, तो देन ऑलरेडी यू आर आउट. वो मतलब तुम कितना रट सकते हो वो वही देखेंगे. फिर ना आयो में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. वो तुम्हें उसमें से क्वेश्चन पूछने लगेगा और तुमने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो वो अलग प्रॉब्लम है. तो उससे बेटर है कि हम प्रैक्टिस करके जा सकते हैं. तो प्री डिटरमाइंड में ये भी प्रॉब्लम है कि तुम्हारी पर्सनालिटी वो पता नहीं चलती है, वो किसी और की आ रही होती है पर्सनालिटी, तो कि यहाँ तुम पे मेरा करेक्ट आंसर कॉपी करके वहां लिख रहे हो. करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे प्री डिटरमाइंड को मैं बता दूँ, प्री डिटरमाइंड व्हेन यू आप किसी और बुक से या किसी और के आंसर्स को लिखकर आ रहे हो। जैसे कि अगर आप आईओ की प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्वेश्चन है
व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस, और वो आपका आंसर है, तो दैट इज नॉट प्रीडिटरमाइंड, वो तो आप ही हो. प्रीडिटरमिनेशन की आप किसी और के आंसर्स को लिख के, कहीं और की स्टोरीज को लिख के, किसी और पिक्चर में फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो. सो दैट प्रीडिटरमाइंड विल नॉट टेक यू एनीवेयर. प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ एंड इंप्रूविंग योरसेल्फ, दैट इज नॉट प्रीडिटरमाइंड, दैट वे यू आर इंप्रूविंग. तो दोनों में डिफरेंस है, राइट रशिका? यस सर. ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए आयो की तरफ. आयो में ज्यादातर, ऋषिका तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे ज्यादातर सवाल फैमिली पर थे, राइट? यस सर. वन मिनट, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट. सर, साइकोलॉजी में एक और चीज ने बहुत हेल्प किया था. मैंने बीच में नेटफ्लिक्स वगैरह भी बहुत देखना स्टार्ट किया था, लाइक फॉर गुड इंग्लिश वोकैब वर्ड्स. आपने बोला था ब्रिटिश चैनल्स देखना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैंने बोला था. तो हाँ, तो वो देखना. और आप बहुत सारे मूवीज भी बताते रहते थे, जैसे जॉन विक बताई थी, फैमिली मैन, तो वो मैंने देखना स्टार्ट किया, तो उससे भी बहुत इम्प्रूवमेंट आया. और आयो में भी बहुत हेल्प किया था, लाइक मुझे अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल आ गई थी कि इसके बाद हाउ डू आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ. तो ये था सर. तो एवरीवन, ये नेटफ्लिक्स का सदुपयोग कर रही थी, बहुत सारे लोग दुरुपयोग करते हैं, ठीक है? तो इससे जॉन विक से भी कुछ सीख लिया, ठीक है? द जो असासिन है उसके अंदर कियानो रीव्स है, उस मूवी से लेके. तो बेसिकली मैं कुछ मूवीज की रिकमेंडेशन देता हूँ जहां से आप लैंग्वेज को पिकअप कर सकते हैं. ऐसे कि हैरी पॉटर सीरीज इज वेरी गुड, क्योंकि उसके अंदर ब्रिटिश एक्सेंट दिया हुआ है, और इंडिया में हम ब्रिटिश एक्सेंट, ब्रिटिश ग्रामर को यूज कर रहे हैं, तो दैट इज गुड फॉर इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आपकी परफॉर्मेंस SSB में काफी अच्छी हो जाएगी, स्पेसिफिकली एट TAT में लिखने, मतलब साइकोलॉजी के टेस्ट में, नरेशन में, कम्युनिकेशन में, आयो में, GD में, लेक्चरेट में. तो ये सारी चीजें भी है कि आपको ओवरऑल इनमें भी इम्प्रूव करना होगा. तो नेटफ्लिक्स से लेके अलग अलग चैनल्स पर, इंटेलिजेंस से लेकर फौजी सीरियल से लेके, काफी अच्छी चीजें जिनको आप अपनी पर्सनैलिटी के लिए यूज कर सकते हो. एंड यू विल ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज, आई एम श्योर इन सारी जगहों से तुम्हें काफी आइडियाज भी मिले होंगे. सेंटेंस के आइडियाज मिलते हैं, WAT के भी आइडियाज मिलते हैं, और उसमें स्टोरी को पॉज करके भी तुम स्टोरी बना सकते हो. ठीक है, तो नाउ अब ये आप देख रहे हो कि स्लोली शी प्रोग्रेस PYQs, जो ये पुराने टैट की स्टोरीज थी, खत्म करके नेटफ्लिक्स से भी स्टोरी बना पा रही थी ऋषिका. ठीक है, तो दैट इज रियली वेरी नाइस ऋषिका, व्हाट अ परफॉर्मेंस. ठीक है, यू पिक्ड अप सो मेनी थिंग्स कि टीचर कुछ, टीचर एक लिमिट तक सिखाता है, उस लिमिट के आगे जाने की क्षमता एक स्टूडेंट और विद्यार्थी में होती है, वो तुमने पूरी दिखाई, दैट यू हाउ यू आर गोइंग अहेड एंड परफॉर्मिंग. तो आयो पे आते हुए अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम योर फैमिली. ठीक है, फैमिली से काफी सवाल पूछते हैं, तो किसी सवाल पे अटकी या किसी सवाल पे तुम्हें दिक्कत हुई? सर, दिक्कत तो किसी सवाल पे नहीं हुई, बिकॉज सर मतलब वही है, सॉलिल के बहुत अच्छे से कर लेंगे, तो फैमिली वाले पे तो दिक्कत नहीं होगी. मे बी तुम्हें कोई रैंडम सवाल जैसे हेयर कट क्यों कराया, उस पे हो सकती है, बट फैमिली वाले पे तो नहीं होगी. मेरे ख्याल से तो सर फैमिली वाला हम 100% प्रिपेयर कर सकते हैं घर से ही, सॉलिल के से. तो काफी सारे स्टूडेंट्स में ना जो मुझे मैसेज आते हैं ऋषिका, जैसे घर पे किसी तरीके के झगड़े हो रहे हैं या घर पे किसी तरीका का तनाव है, वो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं. कुछ में ये फैले हुए हैं कि अपने पापा की सैलरी नहीं बतानी है, ठीक है, अगर आपके पापा का XYZ प्रोफेशन है या कम सैलरी है. बहुत सारे मिथ है कि आपके घर में अगर किसी तरीके का झगड़ा हुआ है तो सब कुछ झूठ झूठ बोलना है, वहां पे जाके एक बहुत हैप्पी हैप्पी पिक्चर देना है. इस पर क्या बोलना चाहोगे आप? नहीं, वो लोग हैप्पी पिक्चर थोड़े ना चाहते हैं. वो लोग चाहते हैं कि तुम्हारे जो हार्डशिप्स आ रहे हैं लाइफ में, तुम उसको कैसे ओवरकम कर रहे हो, या उसी में बहते जा रहे हो, रोते रहते हो पूरा दिन. तुम्हें अंदर से हैप्पी रहना है, सिचुएशंस को छुपा के हैप्पी नहीं रहना है. करेक्ट, वही वो देखना चाहते हैं वहां पे. करेक्ट. एंड अगर तुम रियलिटी रियली रियली में तुम हैप्पी हो, वो तो तुम्हारे एक्शन से पता चल जाएगा. तुम्हें बोल के नहीं बताना वहां पे कि मैं बहुत हैप्पी हूँ ऐसे. ओके, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, कितनी देर का इंटरव्यू चला तुम्हारा? सर, इट स्टार्टेड एट 1:40 PM एंड एंडेड एट 3:05 PM, तो 1.5 hour ऐसे. पता लगा टाइम का कि टाइम वाज फ्लाइंग? सर, इट वाज फ्लाइंग, एंड बीच में सर बहुत मजा भी आ रहा था.
क्योंकि अटक नहीं रही थी ना मैं, एंड जब फोकस पूरा उनके रैपिड फायर्स पे ही था मेरा. अब ये और सर मेरे समय 10 रैपिड फायर्स आए थे, वो बैक टू बैक बोले जा रहे थे मेरे को, एंड सारे में से मैं एक भूल भी गई थी. तो आई आस्क्ड हिम कि सर इफ आई हैव लेफ्ट एनी क्वेश्चन, ऐसे तो तुमने वो मुझे मीनिंग बोलो ऑफ बोलो यस सर लाइक सम ऑफिसर्स सम आयोज विल ट्राई टू काम यू डाउन, बट देर आर सम हु विल नॉट काम यू डाउन. जैसे मेरे केस में मैं अंदर घुसी एंड सर वॉज लाइक ओके बताओ थाने का न्यूज बताओ, लाइक आई स्टे इन थाने सो ही आज मी. मतलब हम सोच सकते हैं कि वो महाराष्ट्र का न्यूज पूछेंगे, बट वो मतलब जहाँ से मैं आ रही हूँ थाने, वहां से वो पूछा उन्होंने कि थाने में आजकल क्या चल रहा है, बहुत सुनने में आ रही है खबरें न्यूज में. मैंने कहा हाँ सर. तो आई वहाँ पे तब फेज 2 वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ था, एंड एक आर्य कॉलोनी का भी उद्धव ठाकरे ने कोर्स ऑफ मेट्रो चेंज किया था वो. तो मैंने वो सब 2-3 चीजें बताई उन्हें, तो वो बोले थे कि ओके ऐसे करके. फैमिली ओरिएंट पर तुमसे क्वेश्चन पूछे गए, डू यू थिंक आयो नोज व्हाट यू राइट इन एसडीटी और व्हाट यू राइट इन साइकोलॉजी स्टोरीज? कुछ आइडिया होता है उनको एसडीटी पे तुमने क्या लिखा है? एसडीटी से लगता है तुम्हें कुछ क्वेश्चन आते हाँ हैं? हाँ सर सारे एसटीटी से ही थे वो, पर इनडायरेक्टली पूछते हैं कि हाँ अच्छा बताओ तुम अपनी मदर को फाइनेंशियली कैसे हेल्प करती हो, तुम घर पे क्या करती हो, एंड फिर पूछेंगे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बताओ, वो क्यों तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनके पॉजिटिव नेगेटिव्स, और वो अभी वर्क कहाँ कर रहे हैं, तो ऐसे, और वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं. तो ये जो क्या सोचते हैं इज इन माई एसडीटी, तो वही वाला आंसर जनरली हमें बोलना होता है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ रिपीटेटिवली, मुझे ऐसा लगता है ऋषिका एसडीटी ना काफी अंडररेटेड है। ठीक है, पीआईक्यू यस तो बहुत इंपॉर्टेंट है बट एसडीटी को इट इज अंडररेटेड एंड एक्चुअली इट इज मतलब वो जैसे सीवी के साथ कवरिंग लेटर होता है ना, समरी होती है, तो हाँ एसडीटी इज लाइक समरी ऑफ योर पर्सनालिटी और उसको थोड़ा यस कम एम्फसाइज करते हैं लोग। आई एम अगेन टेलिंग प्लीज हुएवर इज गोइंग टू एसएसबी प्लीज एसडीटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर योर साइकोलॉजिस्ट फॉर योर आईओ एंड फॉर दैट इवन फॉर योर जीटीओ। ऋषिका की केस में तो हाँ जीटीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया था वो, अभी ये आगे बताएगी हाँ कैसे। तो बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और जहां तक मैं जानता हूँ ऋषिका तुमने कम से कम 30 या 35 बार हर दिन ही तुम लिखती थी अपना एसडीटी टू मेक इट बेटर टू मेक हाँ इट बेटर राइट? यस सर मैंने फर्स्ट टाइम लिखा था, फिर मैं उसे रोज नाइट को सोने से पहले, मतलब नाइट पे तो नहीं सो पाती थी ज्यादा टाइम, जब भी आई ओपन माय लैपटॉप मेरे को हमेशा लगता था कुछ तो मिसिंग है, कुछ एडिट हो सकता है, तो मैं करती रहती थी तुम्हारा टाइम चेंजेस. टेबल क्या था, जैसे कि तुम्हारा टाइम टेबल क्या था जब तैयारी कर रही थी? तो यू आर वर्किंग ऑल्सो, तुम्हारा टाइम टेबल क्या था, यस कैसे सर मैनेज करती थी? बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि हाउ आर यू मैनेजिंग एग्जाम्स एंड एवरीथिंग सुबह यस से सर शाम, रात तो का बताओ। मेरा दिन रात से चालू होता था, तो मैं रात को वर्क करती थी, फिर आई यूज टू स्लीप अराउंड 5 या 6, सो फिर 5 बजे 10 या 11, हाँ फिर 10 या 11 तक मैं सो के उठती थी, देन मॉम को हेल्प करती थी, तो वो ट्यूशंस पढ़ा के उठते थे थोड़ा, फिर बात बात, फिर 12 मतलब लास्ट था, फ्रेश होके मैं बैठ जाती थी अपना टैट वैट एसआरटी करने के लिए. फिर 12 से पहले मैं मैक्सिमम ब्रंच ही कर लेती थी, ब्रेकफास्ट लंच दोनों, एंड 12 से फिर मैं बैठ जाती थी करने. फिर लास्टली मैं उठती तब थी जब मेरा एसआरटी हो जाता था. स्टार्टिंग में मुझे बैठने की इतनी आदत नहीं थी कंटिन्यूसली, मुझे अनस्टेबल होने लगता था उठ के कुछ खाना है, बट स्लोली मेरे को आदत हो गई वो बैठ के तुम्हें सारी चीजें करनी है. देन वो होने के बाद मैं फिर आपके कोर्सेस तो तब लाइव नहीं थे, तो वो पुराने वाले मैं देखती थी, तो बहुत ही आराम से. और सर देखते देखते मेरे को ऐसे मैं बातें भी करती थी वो तो कोर्स में ही, आप कुछ पूछते थे तो मैं खुद ही आंसर करती थी उसमें, तो
ऐसे ऐसे करके फिर मैंने करंट अफेयर्स देखा, वो RSTV फॉलो करती एंड उसके नोट्स भी बनाती थी. नोट्स हाँ इन द सेंस जो बिग पिक्चर पे वो कोट्स बोलते हैं ना कभी कभी, हाँ जैसे तब वो DDC के इलेक्शंस हुए थे JNK में, तो एक सर थे उन्होंने बिग पिक्चर में बोला बोला था कि वी हैव वन जम्मू एंड कश्मीर बाई बैलेट्स देन बुलेट्स. तो ये सब बहुत ज्यादा बहुत एम्फेसिस सॉलिड देता है. पोजीशन। हाँ, तो मैंने वो लिखना स्टार्ट किया और फिर उसको बस एक बार देख लेती थी कि हाँ ठीक है. फिर डिफेंसिव ऑफेंसिव भी मैं देखती थी. उसमें तो मेरा वो बिंज वॉच था, बहुत मजा आता था. सर कुछ कुछ बोलते हैं ना, हंसी आती अरे थी. हाँ हाँ, फिर धीरे धीरे मैंने डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोर्स मैंने 2 बार कंप्लीट किया था, क्योंकि स्नेहा ने एक कोर्स में बोला था आपके सागा कोर्स में कि सर मैंने 2 बार किया है डिफेंस सिक्योरिटी कोर्स, लिया. I think it's because of you guys that I'm getting that course in 2021. तो तीन चार चीजें बताई है इसने। पहले तो सिंस डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोर्स की बात करिए, तो ये कोर्स 2019 में करा था मैंने, और आप देखो वो कोर्स 2019 में भी 2021 के कैंडिडेट्स को हेल्प कर रहा है। ठीक है, 2020 के यस अंदर काफी चीजें बदल गई पोस्ट कोविड वर्ल्ड, तो दिस टाइम 2021 में वो कोर्स अगेन आई एम डूइंग इट अराउंड, इफ आई एम करेक्ट उस टाइम अराउंड 46-45 क्लासेस थी उसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हाँ इट, बट दिस टाइम आज के वक्त के अंदर काफी चीजें बदल गई है, तो मैं उसको दो पार्ट में कर रहा हूँ। जो पहला पार्ट 20 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, तो यू गाइस कैन डेफिनेटली ज्वाइन इट। इट विल हेल्प यू नॉट ओनली फॉर SSB बट CAPF, IB, CDS, आपके वेरियस एग्जामिनेशन। एज अ सिक्योरिटी एस्पिरेंट, डिफेंस एस्पिरेंट, आपको पता होना चाहिए। दो चीजें और बात करी इसने, इसने बात करी राज्यसभा टीवी। राज्यसभा टीवी को आप जरूर फॉलो करिए। राज्यसभा टीवी में दो प्रोग्राम, एक सिक्योरिटी स्कैन करके है और एक बिग पिक्चर करके है। इनके यूट्यूब पे वीडियोस हैं, इनकी प्लेलिस्ट को देखिए और प्लेलिस्ट से जो रेलेवेंट चीजें उनको आप देखिए। तो अगर आप राज्यसभा टीवी देखेंगे उससे काफी मिलेगा, और आप IDSA को फॉलो कर सकते हैं, चाणक्य फोरम को फॉलो कर सकते हैं। डिफेंसिव ऑफेंस के अंदर आप चीजों को समझ सकते हैं, बट कई बार उस लैंग्वेज को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पर कई बार पाकिस्तान या चाइना का मजाक उड़ाने के लिए, जो सर समझाने के लिए इजी लैंग्वेज में यूज करते हैं ताकि नॉर्मल जनता को आए। तो अगर आप गौरव आर्य सर की बात कर रहे हैं, मीजो गौरव आर्य, तो वही चीज वो बहुत अच्छी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में चाणक्य फोरम पे उनके आर्टिकल्स हैं। चाणक्य, हाँ, आप लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन साहब को, सूद साहब को, अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करेंगे, शिव अरुण साहब को जो इंडिया टुडे के अंदर है, गौरव सावंत है, तो इनके आर्टिकल्स को फॉलो करेंगे, व्हाट दे आर राइटिंग स्पीकिंग स्पेसिफिकली ऑन डिफेंस इशूज, सिक्योरिटी इशूज, तो आपको काफी इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे आप अपने SSB के अंदर। तो चाणक्य फोरम, IDSA, ORF इज गुड, देयर इज इंटरनेशनल वेबसाइट द डिप्लोमैट, दीज आर गुड फोरम जो आपको फॉलो करने चाहिए। एंड न्यूज़पेपर्स में मेरा रिकमेंडेशन है, प्लीज फॉलो इंडियन एक्सप्रेस, बिकॉज हिंदू आज की डेट में काफी लेफ्ट बायस्ड लगता है। अगर आप उससे से हाँ रेलेवेंट कॉन्टेंट निकाल सकते हैं जो एक न्यूट्रल एस्पिरेंट है, तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर ऋषिका ने भी काफी मल्टीपल जगहों से चीजें पढ़ी ताकि चीजों को बैलेंस आया, राइट ऋषिका? यस सर. हाँ बोलो बोलो। सर वही आयो में फिर देन ही आज मी नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज एंड कोई स्पोर्ट्स न्यूज भी बताओ. हाँ सो नेशनल तो मैंने स्टार्ट किया था बोलने, क्योंकि सर मैंने मैंने आपको जो PIQ भेजा है ना, उसमें मैंने बाद में एडिट कर दिया था कि मेरे इंटरेस्ट में IR रीडिंग भी है, अच्छा, तो इंटरनेशनल मतलब ये वाला ही रिलेशंस. तुमने वहां पर जमा कराया था ना, हाँ, जो तुमने SSB में हाँ दिया था। सर, हाँ ठीक है। हाँ, हाँ तो IR रीडिंग लिखा था, तो वो मुझे पूछे थे नेशनल इंटरनेशनल वगैरह बताओ, तो मैंने नेशनल उन्हें इतने सारे बता दिए, फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही चले गए. अब वो सोचे कि अब ये इंटरनेशनल भी इतना सारा बोलेगी, मतलब नेशनल मैंने काफी, मेरे जो ग्रुप में बच्चे थे वो सारे वही बोल रहे थे वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे इंडिया में चालू हुआ है एंड और हाँ क्या इंटरनेशनल में वो डीएस्केलेशन हुआ था चाइना एंड गलवान सलमान वैली वाला. हाँ, पर मैंने सुना था सबका, बट वो बहुत कॉमन है ना, तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ बोलूंगी जो मुझे स्टैंड अपार्ट करेगा. तो मैंने बोला कि इंडिया में 4 जगह इलेक्शंस चल रहे हैं अभी, एंड दूसरी चीज मैंने बोली कि पॉन्डिचेरी में तब प्रेसिडेंट रूल आया था, वो
वो बोला। फिर तीसरी चीज मैंने बोली, त्रिपुरा में जो एथनिक ग्रुप्स है वो एक टिपारा लैंड अलग स्टेट चाहते हैं, तो ये बोला। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कंप्लीट भी नहीं करने दिया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। मतलब मैंने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बोलने ही नहीं दिया उन्होंने, ऐसे हो गया था। तो ऋषिका, तुमने अपने आयु के बारे में बताया कि किस तरीके से तुमने मतलब करंट अफेयर्स में और भी ज्यादा डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट नॉलेज दिखाने की कोशिश करी, जो रेगुलर न्यूज थी गलवान और इस कोविड के अलावा भी यू टोल्ड अस अबाउट डिफरेंट इश्यूज विच आर हाँ गोइंग ऑन, करेक्ट राइट? सो एनी क्वेश्चंस यस विच ही स्पेसिफिकली आस्क्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स और कुछ स्पेसिफिक पूछा? नहीं सर, इतना बोलने के बाद आई थिंक ही गॉट कि मुझे आता है कुछ। फिर वो उन्होंने कुछ और ही पूछना तो स्टार्ट किया। उन्होंने, हाँ फिर वो उन्होंने पूरा, मतलब सर मुझे ही डिडंट अलाउ मी टू स्पीक इंटरनेशनल न्यूज और स्पोर्ट्स न्यूज भी। मैं तो बोल रही थी बट उन्होंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। ठीक है। तुमने बार बार इंट्रोस्पेक्शन की बात करी है, इंटरव्यू स्टेज पे इंट्रोस्पेक्शन हेल्प करता है? यस सर, बहुत ज़्यादा करता है, लाइक अपने फैमिली डेली हैबिट्स और तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, वो सब जानने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वही चीज़ें पूछते हैं। जैसे ही तुम अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन कर लेते हो तो आयो वाला लेवल थोड़ा इजी लगने लगता है। फिर भी लाइक 20-30% तो रहता है जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, बट एटलीस्ट तुम 70-80% श्योर हो जाते हो कि मैं ठीक कर सकता हूँ ऐसे। ठीक और है। एंड इंट्रोस्पेक्शन के लिए जैसे सर मैं, बोलो बोलो। यस सर, जैसे यस सर, जैसे सर ने बताया था आसागर कोर्स में एक डायरी बनानी है, उसमें क्वेश्चंस लिखना है। तो व्हाट आई डिड, पहले मैंने सबके सैम्पल इंटरव्यूज देख लिया, प्रेरणा दीदी, वैभव भैया, मनीष भैया, सबका देख लिया था एंड मैंने क्वेश्चंस लिख लिए थे। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कि अच्छा मुझे इस तरह से अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, तो ऐसे। ठीक है। तो ये दीज आर जो अभी प्रेरणा में बोला, दीज वो सम ऑफ दी मॉक इंटरव्यूज जो मैंने पहले लिए थे। तो इसने मॉक इंटरव्यूज को देखा किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को निकाला सारे इंटरव्यू से, सो दैट शी कैन, अगर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते, क्योंकि क्वेश्चंस आईओ में जब स्टार्टिंग में आते हैं वो सिमिलर होता है, वो आपके आंसर्स के बाद वो इंटरव्यू डायनामिक इंटरव्यू में कन्वर्ट होता है, और वहां से फिर आंसर के अंदर और सवाल के अंदर सवाल और बहुत सारे निकलते आते हैं। तो इनिशियल स्टेज पर तो यस तुम जब वो तुम्हारे से पूछते हैं घर पे कौन कौन है, वो शुरू के 10-15 क्वेश्चंस तो आर ऑलमोस्ट सेम, राइट? यस सर, इट्स योर आंसर, वो बोलो यस बोलो। सर, स्टार्टिंग वाले काफी कॉमन रहते हैं, तुमने कहाँ से पढ़ाई की एंड तुमने वो कॉलेज क्यों चूज किया, इस कॉलेज का थीम क्या है, और कितने लोग थे तुम्हारे क्लासेस में, कौन अच्छा दोस्त, ऐसे चेक करते वो बस। यहाँ पर ऋषिका, रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग एबिलिटी कि आप ये क्यों चूज करते हो, वो क्यों करते हो, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आयो में? सर इसकी इम्पोर्टेंस है कि वो देखेंगे कि तुम्हारे चॉइसेस, मतलब तुम जो भी लेते हो पहली चीज तो गलत है या सही है वो मैटर नहीं करता, तुम क्यों लेते हो और तुमने ऐसे डायरेक्शन में क्यों सोचा। अगर रीजनिंग एबिलिटी आ जाती है तो अगर तुम फौज में आगे भी जाते हो या नॉर्मल लाइफ में भी तुम सोच पाते हो कि हाँ ठीक है ये मेरा चॉइस है और ये इसीलिए मेरा चॉइस, एंड बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है रीजनिंग एबिलिटी आने के बाद। और सर वो मतलब हर क्वेश्चन ही आरए बेस्ड ही होता है सारे, लाइक वो हमेशा ही चेक करते रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर काफी मतलब जिस तरीके से ऋषिका बोल रही है, उन्होंने एक डायरी बनाई, सवाल लिखे, सवालों के अंदर अपने जवाब ढूंढे, ये जो जवाब ढूंढने का प्रोसेस है ऋषिका, ये कितने दिन में खत्म होता है? 1 दिन, 2 दिन, कि इसमें वक्त लगता है? सर इसमें तो एंडलेस है ये, मतलब करते रहो उतने क्वेश्चंस मिलते रहेंगे तुम्हें अपने आप से पूछने के लिए, बट कहीं ना कहीं तुम्हें स्टॉप करना होता है और वो स्टॉप मोमेंट तुम्हें
अंदर से जानना है कि अच्छा ठीक है यहाँ मेरे को स्टॉप करना है, इतना आंसर मुझे उन्हें प्रेजेंट करना है, क्योंकि तुम पूरा स्टोरी नहीं बोल सकते हो और वहां पे वो सुनने भी नहीं बैठे तुम्हारी राम कथा, तो बहुत ही प्रिसाइज आंसर होनी चाहिए और टू द पॉइंट, कि एक लाइन में समझ आ जाए कि हाँ भाई इसका ये था बस। तब भी एक जनरल वक्त, यस अगर एक इंसान को, अगर वो अपनी SSB फ्रेश पहली बार अपनी SSB के लिए जा रहा है, तो जब वंस ही स्टार्ट्स डूइंग सोलिलोक्वी या इंट्रोस्पेक्शन या अपने सवालों पे जवाब देता है, कितना वक्त करीबन लगेगा? 1 महीने के आसपास, 15 दिन? कि इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। सर, लाइक मैं अपना बता सकती हूँ, लाइक फ्रॉम द लाइक 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड से, जब भी लाइक प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में ज़्यादा मल्टीप्लाई होने लगे, तभी से मैं थोड़ा सोचती थी अपने आप के बारे में धीरे धीरे धीरे। बट 10th स्टैंडर्ड के बाद जब थोड़ी मेच्योरिटी आ गई, तभी से मैंने स्टार्ट किया था कि अगर मैं आज से, बिकॉज मेरी मॉम कहती थी जो भी तुम्हें करना है तुम अपने आप से सोच के करो, मैं हर स्टेज पे आई कांट कैच योर हैंड्स एंड मूव यू, ऐसे मॉम हमेशा कहते थे। तो मैं तभी ऐसे थी कि अच्छा ठीक है ये करना है मुझे, क्यों करना है, तो वहां से ही स्टार्ट हो गया था सर। एंड बहुत ज्यादा पुश तब मिला जब मैंने आपका कोर्स देख लिया था, तब तो मैं एडिक्टेड हो गई। और मतलब सर 1 साल 6 मंथ्स तो मैक्सिमम लगना ही चाहिए तुम्हें अगर अपने आप को पूरा जानना है। और सर मेरे ख्याल से तो कोई प्रिसाइज टाइम नहीं है इसका स्पेसिफिक, करते ही रहना चाहिए लाइफ लॉन्ग, जैसे हम कितने भी बड़े हो जाए हमें वो चीज़ करनी ही चाहिए। तो दिस विल हेल्प इन द लाइफ प्रोसेस ओनली, अपार्ट फ्रॉम द एसेस। यस सर। यस और यस गो अहेड। ये जब करने लगते हैं तो खुद से ही पेशेंस लेवल बढ़ जाती है, एंड खुद से ही मन करता है कि मम्मी अगर बोल रही है दूध ला देने के लिए तो कितने भी थके हो तो जाके हेल्प करने का मन करता है। मतलब बहुत ज्यादा ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आने लगती है, क्योंकि ऐसा मुझे ऐसा लगता था बहुत अचीवमेंट हो गया मेरा कि मैंने अपने आप को जान लिया, तो वो बिल्कुल। एक डिफरेंट लेवल की खुशी होती है। यहाँ पर आपको ऐसा, जिस तरह रशिका बता रही है, इट्स नॉट ओनली रिकमेंडेशन, तो आगे की स्टेज थी जब प्रोसेस को फॉलो कर रही थी रशिका, प्रोसेस को समझ रही थी, टू ट्राइंग टू नो सेल्फ। उस प्रोसेस के अंदर ही आप देखिए वो कितनी हैप्पी थी। दिस इज इटसेल्फ इज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट, की द प्रोसेस। जितने भी आप किसी SSB असेसर से मिलेंगे जो आपकी हेल्प करा, वो यही बोलेंगे कि प्लीज फोकस ऑन द प्रोसेस, बिकॉज अगर आपको प्रोसेस आप एंजॉय करने लगेंगे, आप टेस्ट में ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने लगेंगे, और इन टेस्ट के रिजल्ट माइट कम इन डिजायरेबल वे, बिकॉज आप गलतियां भी कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग द माइट, बट दिस इज द प्रोसेस। एंड सी, आप ऋषिका आप खुद बताती है, ऋषिका इस प्रोसेस में तुम अपनी पर्सनैलिटी को बदलते हुए देखा, जैसे तुमने पानी के ग्लास का एग्जाम्पल दिया यूज से, यार से बेसिकली से कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास तुम्हें ज्यादा होने लगा। यस सर, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। लाइक पहले मैं थोड़ी मतलब पहले मेरा माइंड थोड़ा ज़्यादा थॉट्स ओवर थिंकिंग भी होता था पहले, बट ये जब प्रोसेस होने लगा तो मैंने मतलब ओवर थिंकिंग तो मेरी थोड़ी डिमिनिश ही होने लगी है अभी, अब इतना ओवर थिंकिंग नहीं होता है। और पेशेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कि मतलब जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने जाते हैं लाइन में खड़े होते हैं तो लोग चिल्लाते रहते हैं आओ आओ, तब मैं उनको देखती थी अरे तुम लोग में पेशेंस नहीं है, तुम लोग सॉलिल के नहीं करते हो ऐसे मतलब मेरे माइंड में थॉट्स आते थे, तो मुझे ना ऐसा लगता था कि अरे मैं इनसे बेटर हूँ। तो धीरे 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 ऐसे फील होने लगा, फिर मुझे लगा मैं पहले जो थी अभी मैं बेटर हूँ, ऐसे फीलिंग आती है। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पर हमें रशिका ने काफी डिटेल के अंदर बताया अपना साइकोलॉजी और आयो। नाउ वी विल बी मूविंग टू वर्ड्स GTO।